हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी सर्कल। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 3 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स मेंसुरेशन। ओके, फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं है तो इस चैप्टर पढ़ो ही मत। पहला बात, अगर फॉर्मूला आता है यस तो ठीक है, भाई नहीं आता है तो करें क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाएंगे और पहले फॉर्मूला का वीडियो देख लेंगे, तब उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, टीएसए जिसको लिखते हैं, ये हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, अगर जानते हो तो ठीक है। ओके, ट्रिक क्या है भाई, जैसे टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ओके, ये सिलेंडर है, ये क्या है, कौन है भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, या इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन, देखो ट्रिक, ठीक है, जो चीज कॉमन आता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया सीएसए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इसका क्या होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक सर्कल, एक सर्कल खत्म। तरीका है, ट्रिक ये है, टोटल सर्फेस एरिया जब भी पूछे पहले कर्व सर्फेस एरिया दोनों के लिख दो, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, ओके, अब देख दोनों में कॉमन क्या आ रहा, सर्कल खत्म, दोनों सर्कल खत्म, प्लस करना याद रखना। ओके, और लास्ट सिर्फ एक सर्कल खाली बचा है, एरिया ऑफ वन सर्कल, यही है ट्रिक, एरिया ऑफ वन सर्कल। चल भाई, बहुत लोग को समझ में नहीं आया तो दूसरा ट्रिक देख लो, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया दोनों का सीएसए निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, ओके, कितना सर्कल कॉमन आ रहा है, इसमें एक सर्कल खत्म, जो कॉमन आ रहा है उसको हटा देंगे, बचा क्या, एरिया ऑफ वन सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कल, वन सर्कल। जैसे एक क्वेश्चन अपने मन से कराते हैं, ये तो वही सिलेंडर है, ठीक है, दो हेमी स्फीयर है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, टोटल सर्फेस एरिया सीएसए ऑफ व्हाट सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ टू हेमी स्फीयर, कुछ कॉमन नहीं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे, टीएसए, इसका थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें निकालने का नियम है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब, सर आप तो बोले थे कुछ और, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में सर्कल कॉमन नहीं आया, ठीक है, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, तो मतलब ये वाला पार्ट टोटल सर्फेस मतलब पूरा, ये वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा बच गया, इसको हटाना है, सर्कल दिख रहा है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, पहले ये तो हटा दो, एक क्लियर हो गया, मतलब क्यूब का लिख लिख दिए, ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ सेमी स्फीयर, सीएसए ऑफ सेमी स्फीयर, समझे, देखो भाई ये टोटल सर्फेस एरिया में इसमें ये एरिया घटा दो प्लस कर्व सरफेस एरिया, आगे देखते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट तक वीडियो देखे, लास्ट तक अगर वीडियो देख लेंगे, 12 क्वेश्चन होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर वो कंप्लीट हो गया तो एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा मेंसुरेशन में, वॉल्यूम सरफेस एरिया में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, टू वॉल्यूम सीच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब बराबर 64, तो ये बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 4 सेंटीमीटर, ओके, तो भाई 4 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, सर इसको बनाएंगे क्या क्यूबॉइड में, चल भाई क्यूबॉइड में ये था क्यूब और ऐसा करके दो दो करके मिला दिया, सर आप ये क्यों निकाले, क्वेश्चन आया कि ए क्यों निकालें, ये साइड है 4, मान ली ये साइड है, यही तो लेंथ होता है क्यूबॉइड का, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, ब्रेथ हाइट तो चेंज नहीं हुआ लेकिन लेंथ चेंज हो गया, लेंथ हो गया तुम्हारा 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट ओके 4 सेंटीमीटर, ये देख लोगे तो आज कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। टीएसए मतलब टोटल सर्फेस एरिया, अरे यहां तो सर्फेस एरिया पूछा है, आप टीएसए निकाल लें, सर्फेस एरिया इज कंसिडर्ड टू बी टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इनटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, 2 इनटू एलबी 8 इनटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 8 फुट जा 32, 4 फुट जा 16, 8 फुट जा 32, 64 और 16 80,
160 सेंटीमीटर, देखते रहिए। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, निकाल लिया भाई। ओके देख लेते हैं ये तुम्हारा क्या है, और इधर से निकालेगा किसमें, सेम हाइट, चलो हटा लिया, कोण को हटा लिया, ठीक है। ओके हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट 2.4 सेंटीमीटर। तो जहां तुम लोग बताओ बच्चों रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ, 0.7 सेंटीमीटर। ओके कोण के लिए क्या जरूरत है, कर्व सरफेस एरिया में एल जरूरत है, सेलेंट हाइट क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सबको पता ही होगा। आर कितना है, 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर कितना हो गया 0.49 प्लस 5.76 आया 6.25। किसका रूट होता है बच्चों, 2.5, छोटा सा बच्चा भी जानेगा 2.5। ये निकल गया TSA का ट्रिक, आ गया क्वेश्चन, TSA कैसे निकालेंगे बता, ट्रिक बता देना, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोण, पूरा लिखा तुम लोग, प्लस कोण पार्ट कॉमन नहीं है, ऊपर वाला सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कल, सर्कल ये दिए भाई। सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, कोण का क्या होता है, πRL, और सर्कल क्या होता है, πR2। सर कॉमन क्या आ रहा है, πR कॉमन आ रहा है, समय देखो, πR कॉमन आ रहा है, R कितना है 0.7, बचा कितना 2H, H कितना है 2.4, 2H, ठीक है। फिर इसमें क्या आ रहा है, L तो 2.5 प्लस, इसमें बचा R, पाई R कॉमन निकाल रहे, तो बचा क्या R 0.7, ठीक है। ओके 22/7 0.7 पॉइंट वाला जीरो आ गया, कितना गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ओके ऐसे तो यहाँ नहीं करते, ब्रैकेट के बाद लेकिन कर देते हैं भाई, ठीक है। 22/10 चलो भाई, 4.8 प्लस 0.7 3.5 प्लस 2.5 प्लस 3.7 3.2 और 4.8 कितना हो जाएगा 8। 22 8 176 बाय 10 कितना है 17.6, लेकिन हमको तो चाहिए क्या, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, ऐसे करके एप्रोक्सीमेशन का चेंज होना चाहिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन अ हेवी स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। किसी किसी लोग को समझ में आता है डायग्राम कैसे बनाना, आराम से पढ़ेंगे। ओके अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, ले भाई कोन बना दिए, ठीक है, कोन ऑफ रेडियस 3.5, चल भाई 3.5 भी दे दिए, यहां से यहां तक 3.5 है, ठीक है। फिर क्या बात कि सरमाउंटेड, यहां से पढ़, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ऑन अ हेमिस्फीयर पर हेमिस्फीयर पर, ऑन मतलब पर, ठीक है, समझ आ गया। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, टोटल हाइट कितना है 15.5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों तो बताओ ये 3.5 है, क्या है 3.5, ठीक है, रेडियस दिया हुआ हेमिस्फीयर पर, ठीक है, और क्या बोल रहा है टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। अगर ये 15.5 है, ये 3.5 थोड़ा बड़ा बना दिया हेमिस्फीयर, इतना बड़ा भी नहीं बनना चाहिए, ले भाई इतना बना दिया, ठीक है, टोटल हाइट 3.5, 15.5 में 3. ये 3.5 तो ये भी कितना होगा, रेडियस और हाइट तो बराबर होता है, पता ही होगा तुम लोग को हेमिस्फीयर में, तो बचा कितना, हाइट निकल लगा 15.5 में 3.5 गया 12 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर में, क्योंकि हेमिस्फीयर के सर्किल है ना यार, सर्कल है ना 3.5 3.5, चलो भाई बन गया टोटल सर्फेस एरिया। अब कॉमन कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तुमने कोई सर्कल नहीं, कोई सर्कल कॉमन तो कट गया, बचा तो ना एक भी। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा, कोन
प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या कहता है फॉर्मूला देखो, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दे दूंगा, अभी तक नहीं देखे हो तो, अगर नहीं जानते हो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर ओके 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन निकल रहा है, ठीक है पाई आर कॉमन निकल रहा है कॉमन, तो एल प्लस 2r। अब मन में आया एल कैसे निकलेगा, एल तो क्या होता है भाई, ये 12 है, ये 90 डिग्री, यही तो एल होता है सेलेंट हाइट। एल कैसे निकलेगा, एल बराबर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना होगा 144, 3.5 स्क्वायर कितना होगा 12.25। अच्छा मैंने कैसे कर दिया इतना जल्दी स्क्वायर, देख 5 का स्क्वायर 25, 3 का क्या आता है 4, 4 से 12, इसे देखा 5.5 स्क्वायर, 5 5 25, 5 क्या आगे 6, 6 5 30, ठीक है इजी है ना। 45 का स्क्वायर 5 के 20, 20 25 कर देना भाई, ट्रिक है 156.25, ठीक है ओके। सेम वही तरीके से निकलेगा 13 टू 12 156 होता है 12.5 सेंटीमीटर हो गया, एल निकल गया। चलो भाई एल को बूट करते हैं 22/7, R कितना है 3.5, L कितना है बच्चों 12.5 प्लस 2R, R 23.5 7 होता है, देखते चलना 3.5 10 कब होगा जब उड़ाएंगे, 12.5 प्लस 7 प्लस 19.5 हो रहा, इसको उड़ाए 7.5 जा 5 2 जा 2 11 जा 195 into 11 2 1 4 5 by 10 okay. Cubical block of side 7 cm is surmounted by hemisphere, what is the greatest diameter of the hemisphere that it can have, find surface area। ये तो क्वेश्चन कराया था, क्यूबिकल ब्लॉक है ले भाई, क्यूबिकल ब्लॉक है तो तुम लोग समझ ही गए होगे कैसे बनाना है क्यूबिकल ब्लॉक, और उस पर बना दिया क्या हेमिस्फीयर, ठीक है ओके ग्रेटेस्ट। अरे भाई तुम सोचो यही हुआ ग्रेटेस्ट डायमीटर, और ग्रेटेस्ट डायमीटर किसके बराबर है, डायमीटर साइड के बराबर है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर बोल रहा है ओके। तो डायमीटर ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का साइड कितना है ओके 2r, अरे डायमीटर से निकालना है 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर। TSA सरफेस एरिया इज कंसीडर्ड टू बी टोटल सरफेस एरिया, बताया था CSA कैसे निकालेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस TSA ऑफ क्यूब, बताए थे सभी बताते हैं TSA ऑफ क्यूब में से एक सर्कल का एरिया घटा दो, एरिया ऑफ वन सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कल क्योंकि वहां का एरिया ही निकालते हैं ना, प्लस ठीक है सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ठीक है, टी एस ए ऑफ क्यूब कितना होता है बच्चों मतलब, ठीक है 6 ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस ओके प्लस ने एरिया ऑफ सर्कल है माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी एक तरह से क्या हुआ 6 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है आंसर बताओ कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 224 सेंटीमीटर, ठीक है भाई सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है सॉलिड आयरन पोल इसका जो है बेस डायमीटर कितना है तुम्हारा 24, तो 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस हुआ और हाइट भी दिया हुआ है 220, ठीक है फिर इसके लिखा है विच इज सरमाउंटेड बाय लिखा है, बाय ऑन ने लिखा है सरमाउंटेड बाय ऊपर एंड सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड 80, देखो 60 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेडियस है, ले भाई बना लिए कम बनाएंगे ना, क्यों कम बनाएंगे, इसका रेडियस कितना 12, इसका रेडियस कितना 8, ठीक है 8 8
ये 220 सेंटीमीटर, इसका हाइट है और इसका 60 सेंटीमीटर, थोड़ा कम होगा ज्यादा बना दिए हैं। लो खुश, 220 और इसका 60। अब क्या बोल रहा है भाई, वो झमेला ही क्वेश्चन में थोड़ा सा फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास निकालना है। ओके, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, देखना। ओके, तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये दिया हुआ है मास, 8 ग्राम मास 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना। चलो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके, जो कंटेनिंग टू सिलेंडर्स, ठीक है, होगा V1 प्लस V2 मतलब पाई आर स्क्वायर कैपिटल H पाई स्मॉल आर स्क्वायर H, पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर H, आर कितना है भाई, आर कितना है 12 स्क्वायर इंटू H 220 प्लस आर स्क्वायर 8 स्क्वायर इंटू 60, पाई कितना होता है 3.14, 12 स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस पाई दिया 3.14, 8 स्क्वायर 64 इंटू 60, जो टोटल वॉल्यूम निकला पहले लिख दिए थे, उतना कैलकुलेशन करने टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए पहले कर दिए थे, ये निकल गया। आगे क्या करेंगे सर, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया था इसलिए वॉल्यूम निकाले, आगे करेंगे डेंसिटी बराबर, इसको डेंसिटी लिखते हैं, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, वी ऑलरेडी नो दैट, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही तो दिया हुआ है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही तो डेंसिटी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम को थाउजेंड में चेंज करेंगे, थाउजेंड से, ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू वॉल्यूम 53.28, ठीक है, ओके, तो और दो जीरो उतार दिए, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो टोटल थोड़ा ज्यादा आएगा, इसको लिखते हैं 92.6 केजी। ओके, चलो हम तो आंसर याद किए, तुम लोग मत याद करना, ठीक है, मतलब कैसे मल्टीप्लाई होगा आगे देख लेना। ओके, और तीन प्लेस ऑफ डेसिमल लिखे हैं, हम दो प्लेस ऑफ डेसिमल लिखे हैं, आगे देखो। अ मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। एक चीज सुनना, मेल्टेड रिकास्ट ये सब वर्ड आएगा तो उसमें वॉल्यूम तो इक्वल होगा, कैसे सर, जैसे मान लो तुम ही सोचो कि मान लो जितना पानी इसमें अटता है और इसको हम लोग बदल ले कोन में, कोन में उतना ही पानी अटेगा ना। ओके, स्पेस ऑक्यूपाइड एन ऑब्जेक्ट दैट इज वॉल्यूम, तो अगर किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करेंगे, किसी में बनाएंगे, तो उसका क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा, तो वॉल्यूम इसका रेडियस दिया हुआ है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, देखो रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस 6 है पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई तो कट गया, 4/3 आर क्यूब 4.2 × 4.2 × 4.2 बराबर आर स्क्वायर एच, इसका आर अलग है भाई, एक आर दूसरे से प्रेजेंट कर दो ना ताकि ये अच्छा लगेगा, 6 का स्क्वायर इंटू एच, तो आर कैलकुलेट कर सकते हैं। स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, ठीक है भाई, तीन गो स्फीयर है छोटा छोटा, तीन गो स्फीयर है और इसको तो एक बनाए बड़ा काठो स्फीयर, ठीक है, तो मतलब ये तो स्फीयर है, ये तो स्फीयर है, स्फीयर है, स्फीयर अंदर सर्कल है, ठीक है, ओके, इसका वॉल्यूम R1, इसका वॉल्यूम R2, इसका वॉल्यूम R3, अरे भाई जितना इतना पानी अटेगा उसमें उतना ही पानी अटेगा, इसका मतलब कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V होगा, सब में क्या होगा 4/3 πr³, 4/3 πr²³, 4/3 πr³³, 4/3 π कॉमन निकालिए, R1³ + R2³ + R3³ बराबर 4/3 πR³, 4/3 कटा, पाई पाई कटा, देखो R कितना है भाई, R कितना है 6 6³ + 8³ + 10³ बराबर R³, ओके, 6³ = 216, 8³ = 512, 10³ = 1728, आर बराबर कितना होगा 12, ऐसे डायरेक्ट मत जोड़ देना अपने मुंह से, डोंट ट्राई इट होम, मजाक कर रहा हूँ,
देखो एक ट्रिक बताते हैं भाई, अगर ऐसा रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इतना जल्दी कैसे बना लिए सर? इस ट्रिक चेक करने के लिए आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बाय टू, करेक्ट निकल जाएगा। सिक्स प्लस एट फोर्टीन, फोर्टीन प्लस टेन ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर बाय टू ट्वेल्व, चेक करने के लिए एग्जाम में बना देना ऐसे। और 20 मीटर डीप वेल, वेल कैसा होता है कुआं सिलेंडर का, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग आउट, ठीक है, रेडियस भी दिया हुआ, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, ओके ये दिया हुआ है, ओके तो हाइट निकालना, अरे एल बी एच ही लग रहा है, ओके तो एल बी एच क्या हुआ, क्यूबॉइड हुआ, क्या बना दिए, सिलेंडर था, सिलेंडर था, सिलेंडर था, क्या बना दिए, क्यूबॉइड बना दिए, क्यूबॉइड, ओके तो दोनों क्या सेम होगा, V1 बराबर V2, V1 कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, V2 एल बी एच, ठीक है, पाई कितना है 22 बाय 7, रेडियस 7 बाय 2 इंटू 7 बाय 2 इंटू एच, वही इसका हाइट कितना लिखा है, इसको बड़ा एच लिख दे, ठीक है बड़ा एच, ओके डग आउट 20 मीटर एल बी एच 22 इंटू 14 इंटू एच, देख भाई 22 22 कटा 7 7 कटा 2 4 5 जा 20, ठीक है ओके 7 2 जा 14, तो एच बराबर 5 बाय 2 मीटर, 2.5 मीटर। हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस 1.75 इन सेंटीमीटर एंड द थिकनेस 2 एम, देखो गोला मारे मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डाइमेंशंस और इतना, ठीक है देखो बच्चों इधर ध्यान से, 2 mm मतलब थिकनेस अगर h मानते हैं 2 by 10 सेंटीमीटर, 1 mm में 1 by 10 होता है पता होगा सबको। अच्छा सर यहाँ पे क्या किए हैं, अच्छा बताओ सिल्वर कॉइन कैसा होता है, सिलेंडर का जैसा शेप का होता है, सिलेंडर का शेप का होता है, किसे बनाया गया क्यूबॉइड में, सर कितना सिल्वर कॉइन पता है, ओके तो हम लोग नहीं जानते हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस, इसका मतलब ऐसे करते तो V1 is equal to V2 होता है, लेकिन n V1 क्योंकि इसमें पता नहीं है, निकालना है वही तो फाइंड करना है, ठीक है V1 पाई आर स्क्वायर h होता है ना, n into देखते जाते ध्यान से पाई आर स्क्वायर h is equal to LBH तो दिया हुआ है, n into pi 22 by 7 into r कितना दिया हुआ है बच्चों ध्यान से देखो 1.75 by 2 इंटू 1.75 बाय 2 इंटू एच, एच कितना है एच 1 बाय 5, 1 बाय 5 एल बी एच 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, पॉइंट रहा है नीचे 10 आया, पॉइंट रहा है नीचे 10 आया, देख चलो पॉइंट रहा है नीचे 2 0 0 आया, पॉइंट रहा है नीचे 2 0 आया, ठीक है देखते जाना कैसे करेंगे, ठीक है 25 7 जा 25 8 जा 25 7 जा 25 8 जा 7 7 खत्म 11 2 से देखो 2 4 जा 8 2 से 11 बार में 400 points. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been evenly spread, okay, all around in the shape of circular ring of width to form an embankment. ठीक है भाई देखो, जैसे मान लो जैसे ये तुम्हारा गड्ढा किए, गड्ढा करने के बाद छठ बनाते हो ना, देखते हो गड्ढा करता कर आदमी, गड्ढा करने में मिट्टी जो है ना फेंका जा इधर और बना क्या बना दे सर्कुलर रिंग इस टाइप का, ठीक है सर्कुलर रिंग फेंकते गया, ठीक है देखते चलो ऐसा करो कि हाँ ले भाई, ठीक है ओके डायग्राम तो अच्छे से बनाने आता है, हाँ ये समझ लो, ठीक है अब ऐसा कर रहा है कि इधर मिट्टी फेंक रहा है इधर मिट्टी फेंक रहा है, इसका विड्थ दिया हुआ है कितना मीटर, देखो विड्थ 4 मीटर, ये विड्थ दिया 4 मीटर, विड्थ 4 मीटर, ओके तो ये किसी तरह हो गया होल सिलेंडर की तरह हो गया, फिर सुनो कि गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के फेंके ना मिट्टी इधर उधर, तो इसका हाइट डिफर नहीं करेगा,
ओके, इतना ही मिट्टी निकला तो इतना ही मिट्टी इधर चारों तरफ आएगा, मतलब होलो सिलेंडर बन जाएगा। ओके, तो विड्थ ऑफ एम्बिगमेंट निकालना है, विड्थ और हाइट ऑफ एम्बिगमेंट, विड्थ तो निकाल लेंगे, हाइट मतलब ये निकालना है, ये स्मॉल एच, ये कैपिटल एच दो, ठीक है। ओके, ये देखो ध्यान से देखो, ये कैपिटल स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, कैसे होगा ध्यान से देखो, स्मॉल आर कितना होगा, स्मॉल आर मतलब वेल का डायमीटर 3 मीटर, 3 मीटर, और कैपिटल आर कितना होगा, 3 + 4 7 मीटर, 7 मीटर, ठीक है। हाइट कैपिटल एच कितना होगा, कैपिटल एच कितना दिया हुआ है, ठीक है, 3 मीटर इज डग आउट, डग आउट, अच्छा हाँ 3/2 दिया हुआ है रेडियस, 3/2 यानी 1.5, 4 × 8 = 3, 11/2 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम स्प्रिंट था। ओके, एच कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना, इस डायमीटर दिया हुआ था, ठीक है। ओके, अवेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर की, 14 मीटर, तो भाई हाइट ऑफ एम्बिगमेंट निकालना है, तो वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2, यही तो फेंक आ गया, उधर फेंक आ गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, आर छोटा एच बड़ा, इसमें देखो ये तो होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर में क्या होता है, पाई कैपिटल, ओके देखो देखो, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ठीक है, पाई पाई कट गया। अब देखो आर कितना है बच्चों, पहला तो 3/2 है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच 14 मीटर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच तो निकालना है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, ओके 9/8 इंटू 14 एच इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे करोगे एच, ठीक है, निकालो। लास्ट दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर देखेंगे, इन टू अ रेक्टेंगुलर टैंक इतना, फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 21 सेंटीमीटर। ओके, तो भाई ये जो तुम्हारा सिलेंडर है, सिलेंडर से, सिलेंडर किससे चला, वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके पाइप डायमीटर भी दिया है, तो ये रेक्टेंगुलर टैंक में जाता है, लेकिन हाइट भी दिया हुआ है, तो यानी क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड, इसमें पानी जा रहा है, मतलब दोनों का क्या चीज होगा बराबर, वॉल्यूम बराबर होगा। 15 किलोमीटर मतलब कितना मीटर फ्लो हो रहा है एक घंटा में, 15,000 मीटर इन वन आवर, रेडियस कितना सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, दोनों क्या बराबर होगा, V1 is equal to V2, लेकिन इसी बराबर करने से क्या फायदा, हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है इसमें टाइम, क्या निकालना है, टाइम, 15,000 मीटर इन वन आवर, देखो इधर से सिल्वर कॉइन में एन था, इसमें टी कर देंगे टाइम, जिसके साथ घंटा है, माइनस टी इन टू वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच, सिलेंडर का पाई आर कितना है, 14, रेडियस कितना, 7/100 मीटर, बोलो तो यूनिट देखना, 7/100 मीटर पाई स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एच 15,000 मीटर, ठीक है, ओके यहाँ देखते हैं V2 LBH 50 44 21/100 होगा, क्योंकि 21 सेंटीमीटर है, 100 100 कटा, 20 20 और कटा, 77 भी कट गया, 53 जा ले भाई कट गया, ओके 22 2 जा ले भाई, इधर से उधर लड़ाई कर लो, 37 जा 21, ठीक है, ओके बचा 2, T बराबर 2 वाट 2, ठीक है 2 आओ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर इज डीप फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अरे ऐसे क्वेश्चन लग रहा है, सेम, हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर इज स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, देखो बच्चों, ओके 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ, ओए ओके डीप, ठीक है देखते जाओ, स्पीड 10 किलोमीटर मतलब 1 आवर में कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर एल बी, ठीक है ओके देखते जाओ, एच एल बी एस दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, देखते चलो कैसे बनेगा, V1 बराबर V2, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर के अंदर एरिया निकालना है,
वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट पढ़ाए थे, वॉल्यूम बराबर क्या पढ़ाए थे, एरिया इंटू हाइट, ठीक है, देखते जाओ, 8 सेंटीमीटर मतलब 8/100, इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं। ये वी वन कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ध्यान से, ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा बताऊंगा नहीं, तुम लोग कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है। एल बी एच 6 × 1.5 × 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर, ठीक है, ये होगा वही, और 30 मिनट बोल रहा है, ये एक घंटा निकलेगा, 30 मिनट में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ओके। तो भैया ये निकल गया तुम्हारा मीटर में, ये भी मीटर में एरिया निकाल लोगे, ओके, निकालो अच्छे से, और यहाँ तक वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ओके, यहाँ तक बताएं वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में लिखें अगला कौन सा चैप्टर का वीडियो बनाओ, और देखते रहें एनबीएससी सर्कल, ज्वाइन, फील द डिफरेंस।